मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेते श्री गोपीनाथ राव मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी, श्री रामदास आठवले जी, श्री सुदास सामंत जी, लोकसभा निवडणूक मध्ये नांदेडचे लोकप्रिय उमेदवार बीवी पाटील, श्री रावसाहेब दानवे, श्री सुभाष वानखेडे, श्री चंद्रकांत खेड़े, श्री संजय जाधव, श्री राम पाटिल जी, श्री धनाजीराव देशमुख, श्री माधव भंडारी जी, और इस विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, उद्या गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वाचा हार्दिक शुभेच्छा। भाइयों बहनों, ये नांदेड़ की भूमि, ये मराठावाड़, गुरु गोविंद सिंह जी के चरण रथ से पावन हुई ये धरती देश और दुनिया को वीरता, त्याग, तपस्या, बलिदान, इसकी प्रेरणा देने वाली ये धरती है। मैं धरती को नमन करता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हमारा बड़ा सीधा नाता है। सीधा नाता इसलिए है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारे में एक गुजरात का था। वो द्वारिका का था, वो दर्जी था, और गुरु गोविंद सिंह जी के आवाहन पर बलिदान देने के लिए तैयार हुआ था। और उसी की स्मृति में हमारे यहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा भव्य अस्पताल हमने बनाया है। भाइयों बहनों, मैं पिछले चुनाव में भी आया था, कोई चुनाव सभा ऐसी मैंने देखी नहीं। भाई, चुनाव सभा में ऐसा मानव सागर, और भाइयों बहनों, आप दो दो घंटे से ये चमचमाती धूप में तप रहे हो, बिना पानी तरस रहे हो। भाइयों बहनों, आपकी यह तपस्या, आपका यह प्यार मराठवाड़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब इंसान को प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो जीवन भर के लिए वो उसका दास हो जाता है।
मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं और इतना प्यार आज आपने मुझे आपका दास बना दिया है। भाइयों बहनों, आप ये जो तपस्या कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, सारे पॉलिटिकल पंडित जरा इन नजारा देख लो, हवा का रुख क्या है, आंधी चल रही आंधी भाइयों। और मैंने कहा था जैसे जैसे मतदान का दिवस नजदीक आएगा ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी और देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले इस सुनामी में बच नहीं पाएंगे। ये जनता जनार्दन की आवाज है। भाइयों बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जो चुनाव दल नहीं लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। भाइयों बहनों, एक समय था जब सभी दल इकट्ठे होकर के सत्ता पक्ष को हटाने के लिए, सरकार में परिवर्तन लाने के लिए सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होते थे और नई नई योजनाएं बनाते थे, तरकीब करते थे कि इनको सत्ता में से कैसे हटाया जाए। ये चुनाव ऐसा है जिसमें पहली बार सत्ता में बैठे लोग, उनके साथी दल डर के कारण परेशान लोग ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और वे क्या कह रहे हैं, कुछ भी करो मोदी नहीं आना चाहिए। पहली बार हुआ कोई विपक्ष के व्यक्ति को रोकने के लिए हिंदुस्तान में इतने दलों को कभी इकट्ठा नहीं होना पड़ा। भाइयों बहनों, ये मोदी को रोकना क्यों चाहते हैं, क्यों परेशान है, इनकी नींद क्यों उड़ गई है, ये बेचैन क्यों है? वे बेचैन इसलिए हैं कि उनको पता है 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी वालों को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे समाज जीवन में कभी भी कोई भाई अपनी बहन का छीन लेता है क्या? जरा मुझे बताइए, कोई भाई अपनी बहन का छीन लेता है क्या? कोई मां बाप अपनी बेटी का कुछ ले लेते हैं क्या? अरे कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं बेटी के घर की चाय तक नहीं पीते हैं, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। ये यहां के कांग्रेस के उम्मीदवार ऐसे हैं, अपनी बहन का ही छीन लिया। क्या सत्ता भूख है भाई,
क्या सत्ता भूख है? अरे बहन को तो देना चाहिए, बहन से लूटना नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, शहजादे, देश को जवाब दो। देश की आंख में धूल झोंकना बंद करो। आपने दिल्ली में पत्रकार परिषद करके कहा था कि आप भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करोगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहा था कि नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कानून उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी का ये कानून है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दें? सारे आदर्श उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, सारे आदर्श। भाइयों बहनों, घोटाले होते हैं, लोगों की राजी नाराजी होती है, लेकिन क्या कभी भारत मां की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? सवाल ये मुंबई की एक इमारत का नहीं है, मुद्दा सामान्य आपके अपने सासों को, अपने परिवारजनों को फ्लैट दे दिए, इतना सीमित नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भारत की सेना के प्रति रवैया क्या है, उसका सवाल है। भाइयों, क्या देश के लिए मरने वाले जवानों की विधवाओं से भी आप छीन लोगे? भाइयों बहनों, मैं नांदेड़ की धरती पर, गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र भूमि पर आज शपथ लेकर के जाता हूं। आज मैं शपथ लेकर के जाता हूं कि कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को जिन्होंने लूटा है, उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं। भाइयों बहनों, देश ऐसे नहीं चलता है। और मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। हम राजनीति में शुद्धिकरण के पक्षकार हैं, और इसलिए मैं देशवासियों को आज वादा करता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र भूमि से वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी भी दल के क्यों न हो, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे, और जिन पर अगर कोई भी गंभीर आरोप होंगे, उन पर अगर कोई केस चलते होंगे, तो हम साल भर के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट बिठा करके राजनीतिक अपराधियों को सबसे पहले न्याय करेंगे, सजा दिलवा देंगे। भले उपचुनाव हो जाए, एक साथ शुद्धिकरण हो जाएगा। भाइयों,
देश की विधानसभाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा, देश की लोकसभा का शुद्धिकरण हो जाएगा और एक साल के भीतर भीतर एमएलए एमपी के जितने पेंडिंग केसेस हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, झूठे केस हुए हैं वो बच जाएंगे। बेईमानी की है, देश को लूटा है, जनता को परेशान किया है, गुंडागर्दी की है, हथियार चलाए हैं, ये सारे के सारे जिंदगी भर जेल में काटेंगे। और इसमें मैं किसी भी दल का भेदभाव नहीं करूंगा, सत्ता दल हो या विपक्ष, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होगा। एक बार देश में एमएलए एमपी एक शुद्धि का वातावरण बनाया जा सकता है और अगर सामूहिकता के रूप से होगा तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों को भी टिकट देते समय समझौता करने की नौबत नहीं आएगी। और इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए राजनीति में अपराधीकरण से मुक्ति दिलाने के लिए इस दल को गाली दो, उस दल को गाली दो, इसके बजाय सबके सबके शुद्धिकरण का अभियान चलाना होगा। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, जिन्होंने गरीबे के पैसे हड़प किए हैं, देश के खजाने से लूटा है और विदेशों में धन जमा किया है, आप मुझे बताइए, ये काला धन वापस लाना चाहिए? पूरी ताकत से बोलो, काला धन वापस लाना चाहिए, पाई पाई वापस लानी चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में क्यों न हो लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? आप तो हां ही कहोगे ना, आपका तो पैसा है ही नहीं। आपका कोई पैसा है क्या विदेश में? आपका कोई विदेश में है? तो आप तो हां ही बोलोगे ना, तो ना कौन बोलेगा, ना कौन बोलेगा, ना कौन बोलेगा, ना कौन बोलेगा? जिनके रुपये विदेशों में है, जिन्होंने काला धन जमा किया है, वो ही रोड़े अटका रहे हैं। सरकार 10 साल से बनी है, हिंदुस्तान की मांग है काला धन वापस लाओ, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग काला धन वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। और अभी एक घोषणा पत्र जारी किया, वो घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है, धोखा पत्र। इस धोखा पत्र में कह रहे हैं कि हम विदेश से काला धन वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है रुपया किसका है और इसीलिए आप लाने के लिए तैयार नहीं हो। भाइयों बहनों, आप मुझे मौका दो और ये जो काला धन वापस आएगा ना, देश के गरीबों के भलाई के लिए लुटा दूंगा मैं उसको, उसके लिए खर्च करूंगा। इतना ही नहीं, जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो देशभक्त नागरिक है, जो बराबर और ज्यादातर वो सैलरी वाले लोग हैं, जिनको बेचारे को चोरी करने का कोई अवसर ही नहीं है, उसका पगार फिक्स है, उसमें से इनकम टैक्स कटना फिक्स है, जो ऐसे नियमित रूप से इनकम टैक्स देते हैं, ये काला धन वापस ला करके उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे ईमानदार लोगों को इनाम में दे दूंगा, मैं इनाम में दे दूंगा।
बेईमानों को सजा, ईमानदारों को प्रोत्साहन देना, ये हमारा रवैया रहेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने ये धोखा पत्र में माताओं बहनों की सुरक्षा की बात कही है। आपको भरोसा है ये कांग्रेस पार्टी माताओं बहनों की रक्षा कर सकती है, माताओं बहनों का सम्मान कर सकती है, माताओं बहनों का गौरव बढ़ा सकती है? भाइयों बहनों, जरा कांग्रेस पार्टी के अति बुद्धिमान नेता वो ऐसा मानते हैं कि जब भगवान बुद्धि बांटने निकला था तो कतार में सबसे पहले वही खड़े थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, दिल्ली में जिन निर्भया की घटना घटी, एक निर्दोष बच्ची पर बलात्कार हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, आज भी मैं सुबह सुबह समाचार देख रहा था, आज भी दिल्ली में एक बलात्कार की घटना घटी। दिल्ली को मानो बलात्कारियों की राजधानी बना दिया गया हो, यह स्थिति पैदा की गई। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ कैसी वादा खिलाफी की है, देश के साथ कैसा धोखा किया है। पिछले बजट में जब चारों तरफ निर्भया निर्भया की चर्चा चल रही थी, चारों तरफ आक्रोश था, तो जनता को चुप करने के लिए उन्होंने बजट में निर्भया माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना बनाई पिछले बजट में। भाइयों बहनों, एक साल में इस निर्भया प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1000 करोड़ में से एक नया पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया, एक नया पैसा। आप मुझे बताइए, क्या ये नारी का सम्मान है? क्या ये नारी का सम्मान है? और ये कैसे लोग हैं? आपकी आंख में फिर धूल झोंक रहे हैं। इस बजट में फिर वही गाना गाया, पिछले बजट के 1000 करोड़ रुपया निर्भया वाला तो वैसा का वैसा पड़ा था, लेकिन चुनाव में बात बताने के लिए इस बजट में फिर से 1000 करोड़ रुपया का डाल दिया। भाइयों बहनों, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास इरादा नहीं है, अगर आपके पास बलात्कार से पीड़ित हमारी बहन बेटियों के लिए संवेदना नहीं है, तो ये निर्भया के नाम पर बजट के अंदर रुपये लिख लिख करके देश की आंख में धूल झोंकना बंद करो। श्रीमान चिदम्बरम जी, देश को जवाब दो, क्या हुआ पिछले बजट में 1000 करोड़ रुपए का, क्या हुआ? भाइयों बहनों, पहले तो कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती थी कि लोगों की आंख में धूल झोंकने से काम चल जाएगा, लेकिन अब जनता जाग गई है, जनता को हर बात का पता चल जाता है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को पता है कि अब धूल झोंकने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट से प्रयोग शुरू किया है आंख में मिर्ची झोंकने का, और इसलिए अब कांग्रेस आपकी आंखों में मिर्ची झोंकने वाली है। भाइयों बहनों, मैं आज अनुरोध कर रहा हूं, मराठवाड़ा एक नया इतिहास बनाए, चुन चुन करके देश के लूटने वालों को साफ कर दो भाई, उनको सजा करो। भाइयों बहनों, मैं दिन रात सोचता रहता हूं, नौजवान बेरोजगार है, उसकी समस्या का हल कैसे निकालूं, माताओं बहनों के सम्मान सुरक्षा का हल कैसे ढूंढूं, महंगाई के मार से मर रहा गरीब, उस समस्या का हल कैसे ढूंढूं।
भाइयों बहनों, मैं तो दिन रात लगा रहता हूं समस्या का हल ढूंढने में, और ये लगे रहते हैं मोदी का हल ढूंढने में। उनको दिन रात चिंता है कि मोदी का हल क्या है। भाइयों बहनों, ये देश को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले लोग देश की जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं बेरोजगारी रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, महंगाई रुकनी चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं? रोजगारी मिलनी चाहिए कि नहीं? गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं? माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? किसान को अपनी पैदावार का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? किसान को पानी मिलना चाहिए कि नहीं? किसान को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं? किसान को समय पर खाद मिलना चाहिए कि नहीं? इनको ये काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे ऐसे काम करने के लिए सरकार बनानी है, मुझे किसान का भला करने के लिए सरकार बनानी है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका मुझे समर्थन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई के उम्मीदवारों को ये महायुति को पूरे महाराष्ट्र में भारी विजय दिला करके दिल्ली में मजबूत सरकार बनाइए। भारत माता की, भारत माता की। लाइव उठाओ ना।